दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती 2023। अगर देखा जाए आप सभी को बेसब्री से इंतजार है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का, तो उसी के बीच में एक संविदा शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी संविदा शिक्षक भर्ती, यानी कस्तूरबा गांधी में जो भी टीचर्स रखे जाते हैं, जो भी शिक्षिकाएं रखी जाती हैं, उसमें जो है जो शिक्षक होते हैं वो संविदा के तौर पर तैनात होते हैं। तो हालांकि अगर देखा जाए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी हम आपके बीच में आगे दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ देख भी पा रहे हैं लगा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ जो सैलरी की अगर हम बात करें तो टोटली सैलरी जो होती है वो 22,000 रुपये पर मंथ होती है, और जो भी संविदा शिक्षक भर्ती कस्तूरबा गांधी की होती है उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ओनली वन सिर्फ मेरिट बेस पर आपकी भर्ती होती है। योग्यता आपकी क्या चाहिए? बीएड और डीएलएड चाहिए, और बीएड और डीएलएड के साथ, हालांकि अभी योग्यता पर हम भी चर्चा करते हैं, उसके साथ साथ टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा है, ये किस जिले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सबसे ऊपर देख पा रहे हैं संत कबीर नगर जिले की बात हो रही है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है महानिदेशक स्कूल जो है शिक्षा उत्तर प्रदेश एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र, यहाँ चीजें आप देख पा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम वहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा जा रहा है 1 दिसंबर 2020 के जो अनुपालन जनपदीय चयन है तो अनुमोदन प्रांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है संत कबीर नगर, यहाँ से दिनांक 7 जुलाई 2023 द्वारा जनपद में संचालित 7 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 21 शैक्षिक कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। आगे कहा जा रहा है जिसमें जो है पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिकाओं और उर्दू शिक्षिकाओं, यानी अगर हम बात करें इसमें सिर्फ जो है महिला अभ्यर्थी ही एलिजिबल होती हैं, ठीक है। रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन भारांक, गुणवत्ता, अंकों के निर्धारण उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में किया जाना है। आगे यहाँ देखिए कहा जा रहा है शैक्षिक कर्मचारियों के एक रिक्त पद के सापेक्ष कम से कम 5 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसके आधार पर विषयवार, पदवार, वर्गवार कट ऑफ मेरिट, निम्नमत कट ऑफ मेरिट, अहरण और अभ्यर्थी का नाम जो विवरण है वो इस वेबसाइट यहाँ देख पा रहे हैं http://sknagar.nic पर उपलब्ध है। हालांकि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो पहले ही ले लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में ऑनलाइन आवेदन तो ले लिया गया है, अब यहाँ कट ऑफ का निर्धारण किया जा रहा है। अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो फाइनली आपकी जो काउंसलिंग है वो 4/12/2023 से स्टार्ट होगी, जो है पूर्वाह्न 2:11 बजे से जो है विकास भवन सभागार संत कबीर नगर में शुरू हो रही है। यहाँ देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका जो है गणित, विज्ञान, भाषा, अंग्रेजी, यहाँ जो इनकी सामान्य की कट ऑफ है ये देख पा रहे हैं, EWS की कट ऑफ देख पा रहे हैं, OBC की कट ऑफ और SC की कट ऑफ, यानी ST के कोई सीट इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षिका, यहाँ सेम कट ऑफ यही ऊपर वाली रहने वाली है, इनकी भी कट ऑफ और इनके भी, और SC की कट ऑफ जो है वो 37.17 रहेगी। कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृहशिल्प, यहाँ और भी चीज़ों को आपने देख लिया। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देंगे, इसके नीचे कहा जा रहा है और भी कर्मचारियों की भर्ती होनी है जिसमें सहायक रसोइयों की भर्ती है, चपरासी की है और चौकीदार की है, समस्त महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए एलिजिबल हैं। इनका भी जो काउंसलिंग साक्षात्कार है वो 4/12/2023 को अपराह्न 1 बजे से विकास भवन सभागार संत कबीर नगर में किया जाना है। अब यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लीजिए क्या चाहिए। उपरोक्त कट ऑफ के अंतर्गत अहर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक अंक, प्रमाण अंक जो है प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व उसकी 2 जो है स्वप्रमाणित छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं या किए गए अभिलेख के सत्यापन के संबंध में किसी भी विभाग में कार्यरत न होने के संबंध में, अथवा यदि कार्यरत हैं तो विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र व विभागीय कार्यवाही न होने
तथा विवाहिता होने पर एक से अधिक पति न होने के संबंध में एक शपथ पत्र सहित आयोजित काउंसलिंग साक्षात्कार के प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। यहाँ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ सबसे पहले बता दिया गया है। आगे कहा जा रहा है काउंसलिंग साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु तो किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा, आपके रास्ते का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है आवेदन पत्र में अंकित विवरण से भिन्न किसी भी अन्य प्रकार का अभिलेख विवरण मान्य नहीं होंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है अभ्यर्थियों की विज्ञप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। अगला है चयन नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित अहर्ताओं में जांच अहर पाए जाने की स्थिति में चयन की कार्यवाही शासनादेश की जो है प्रावधानिक व्यवस्था के अनुसार ही की जाएगी। काउंसलिंग साक्षात्कार में उपस्थित होने से मात्र अंतिम चयन न माना जाए। आगे कहा जा रहा है निर्धारित तिथि को काउंसलिंग यानी निर्धारित तिथि के अंदर ही आपको पहुंचना है। और लास्ट ऑप्शन आपके बीच में है समस्त कटाव विवरण अभ्यर्थियों को सूची की जनपद यहां आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। नीचे यहां अमित कुमार सिंह जिला विशेष शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर, ठीक है। यहाँ आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लिया, ठीक है। योग्यता आपकी क्या चाहिए, बीएड में बीटीसी चाहिए या डीएलएड आपने कर रखा है। सैलरी आपकी 22,000 होनी चाहिए, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस पर सीधी भर्ती है। अगर आपके अच्छे खासी मेरिट है और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पहले ही लिया जा चुका है, मैंने आपको जो है शायद ही इन्फॉर्म किया था, ठीक है। अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं आप जो है संत कबीर नगर की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ देखिए दिया गया है, सबसे नीचे देख पा रहे हैं, आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप जो है यहां से चेक कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।